हेलो किटीज, तो आज हम बनाएंगे वो हेयर क्लिप, कोरियन वो हेयर क्लिप, जिसके लिए मैंने कुछ फैब्रिक निकाले थे, बट मुझे ये जेरी वर्क वाला फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा, इसलिए मैं इसी का वो हेयर क्लिप बनाऊंगी। मैंने स्ट्रिप कट करनी है, उसके बाद मैंने इसे डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद मैंने नीडल ली है। नीडल के हाथ से हम इसे स्टिच करेंगे। आप चाहें तो स्विंग मशीन यानी कि सिलाई मशीन से भी इसे स्टिच कर सकते हैं, बट मैंने इसे हाथों से ही स्टिच करना है कुछ इस तरह से। इसकी दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे कुछ इस तरह से। तीसरी वाली साइड को हमें आधा स्टिच करना है, उसके बाद हमें थ्रेड को लॉक कर देना है, नॉट टाई कर देना है। फिर हम इसे दूसरी साइड से स्टिच करेंगे इस तरह से। इसे भी हमें आधा स्टिच करना है, नॉट टाई करनी है, थ्रेड को कट कर लेना, तो बीच में जो कुछ इस तरह का होल बचेगा, मतलब आधी सेट सिलाई आधी सेट से सिलाई हो जाएगी, बीच में थोड़ा सा गैप बचेगा, वहीं से हमें फैब्रिक को सीधा करना है कुछ इस तरह से। आप देखिएगा हमें इसे ईजली अच्छे से सीधा करना है, धीरे धीरे सीधा करना, वरना ये इसकी सिलाई निकल सकती है, बाहर आ जाएगा, तो ये इजीली अच्छे से सीधा हो जाएगा पूरा। तो मैंने इसे सीधा कर लिया। मैंने इसे चारों कोनों को अच्छे से निकाल लेना है। उसके बाद मैंने इसे बीच से मोड़ के मतलब बीच को नापा है, उसके बाद मैं यहीं से मिडल से इसे पास करूँगी थ्रेड को कुछ इस तरह से। क्रंची वाला लुक देना है जिससे कि हमारा वो बन जाएगा। मैं यहाँ से थ्रेड को पास करना है कुछ इस तरह से। इस तरह से थ्रेड को राउंड करना है जिससे कि हमारा थ्रेड लॉक हो जाएगा, हमारा वो हेयर क्लिप एकदम अच्छा लुक देगा। अंदर पर थ्रेड को लॉक कर देंगे, नॉट टाई करके थ्रेड कट कर लेना है। देन हमें यहाँ पे कोई भी लेस लगा लेनी है, आप चाहें तो कोई भी स्टोन वगैरह भी लगा सकते हैं। मैंने ब्लैक कलर की रिबन लेस थी, मैंने इसे यहाँ पे स्टिच कर दिया, तो हमारा प्यारा सा वो रेडी हो गया। कैसा लगा आप सबको कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट।